तो कुछ टाइम से ये रूमर्स उठ रहे हैं कि मॉन्स्टर वर्स के अंडर की मूवी गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी में हमें गॉडजिला अपने पीक लेवल पे दिखेगा, जिसके बाद उसे हरा पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस के लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नियरली मॉन्स्टर है और साथ ही साथ गॉडजिला को हराने के एबल भी है, और वो है हल्क। तो आज हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के बीच फाइट कराएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम ये जानेंगे कि मॉन्स्टरवर्स के किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला और मार्वल कॉमिक्स के इनक्रेडिबल हल्क के बीच अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। सो लेट्स स्टार्ट। गॉडजिला के ओरिजिन की बात करें तो उसको 1954 में आई गॉडजिला मूवी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद उसके काफी सारे मीडियाज में दिखाया गया है। और जैसा कि हमने 2019 की मूवी में देखा था कि गॉडजिला को मॉन्स्टरवर्स में किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का नाम दिया गया है, जिसमें गॉडजिला को एक विनाशकारी एंशियंट सी मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से नींद से जाग गया है। और इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से गॉडजिला को उसकी पावर्स और एबिलिटीज मिलती हैं। अब गॉडजिला के पावर्स की बात करें तो उसके पास है एटॉमिक हीट बीम, इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ, एनहांस्ड स्मेल, रेडिएशन कंट्रोल, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन इम्यूनिटी, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, रेज पावर, सिस्मिक पावर, रीजेनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, अंडर वाटर ब्रीथिंग। इसके अलावा गॉडजिला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेल सकता है। बट एक बात मैं ये बता दूं कि गॉडजिला के पास ज्यादा स्पेशल अटैक्स नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसे किसी स्पेशल अटैक की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी उसके जो स्पेशल अटैक्स हैं उनमें मार्शल एबिलिटीज और स्ट्रेंथ शामिल है, जिसके बल पे गॉडजिला किसी भी एनिमी को इजीली हरा देता है। उसकी सबसे पावरफुल पावर है एटॉमिक ब्रीथ। ये इतनी पावरफुल अटैक है कि मूवी में इसके एक ब्रीथ से पूरा टोक्यो धुआं धुआं हो गया था। साथ में गॉडजिला की बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाती है। मूवी में वो 15 मेगाटन्स के एटॉमिक बॉम्ब से भी बच गया था। साथ ही साथ उसकी बॉडी खुद को रीजेनरेट भी कर सकती है। इसकी एक एबिलिटी स्पेस मास्टर गिडोरा को भी टक्कर दे सकती है, और यहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर पल्स वेव से घायल होने के बाद गिडोरा खुद को रीजेनरेट भी नहीं कर पाया था। साथ ही साथ गॉडजिला की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, वो आर्मी के बहुत सारे न्यूक्लियर अटैक को झेल चुका है। साथ ही साथ रेडिएशन बढ़ जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, बट इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। अगर उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसकी बॉडी ठंडी होने लगती है, जिसकी वजह से अर्थ का एटमोसफेयर चेंज होने लगता है, जो कि प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ का कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक मूवी में गॉडजिला ने एक 35,000 टन्स के एक स्पाइडर को स्पेस में फेंक दिया था। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर ले सकता है, और इसी तरह उसने किंग गिडोरा को भी हराया था, जिसके मोस्टली अटैक इलेक्ट्रिकल रेस थी। और अगर हम बात करें उसके डेथ की तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस के एटॉमिक बॉम्ब से भी गॉडजिला को कुछ नहीं होने वाला, उल्टा वो बॉम्ब से निकली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बन जाएगा। हल्क की ओरिजिन की बात करें तो उसका रियल फॉर्म है ब्रूस बैनर, और बेसिकली ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट होता है जिसका काम था मिलिट्रिकली सुपर सोल्जर बनाना। बट एक दिन एक रिसर्च के दौरान ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है, और उस इंसिडेंट ने ब्रूस बैनर की लाइफ बदल दी, और तब से ही वो जब भी गुस्सा होता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमने हल्क के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने हल्क के ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर कर रखा है। सो इस वीडियो में हम हल्क के उन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे, बट अगर आपको हल्क के शोडाउन्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हल्क वर्सेस गॉडजिला की। तो यहाँ हल्क ने थॉर, सेंट्री, हरक्यूलिस और वॉचर्स को भी हराया है, और अपने एक फुट स्टेप से सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही साथ वो सन जितना वेट उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला ने एक सिटी को अपने चलने से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने बहुत सारे प्लेन्स को अपने आर्म से डिस्ट्रॉय किया है, जिनका वेट 20,000 टन से भी ज्यादा था। अब अगर हम बात करें हल्क की तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो बड़े से बड़े अटैक्स को झेल सकता है। साथ ही साथ उसके पास जबरदस्त हीलिंग फैक्टर भी है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल चुका है, अपने स्केलेटन से खुद को रीजेनरेट कर चुका है। और अगर हम बात करें उसकी एक सबसे खतरनाक पावर के बारे में तो वो है उसका गुस्सा। उसका गुस्सा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। साथ ही साथ उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जिसके कारण वो कभी थक नहीं सकता। तो अब अगर हम बात करें उसके कुछ मेन पावर्स की तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फोर्स जंप,
रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, एंगर इंपावरमेंट, रेट्रोएक्टिव इमोर्टिलिटी, अंडर वाटर ब्रीथिंग, टेलीपैथिक रेजिस्टेंस, ब्रामा रेडिएशन मैनुपुलेशन एंड एमिशन। इसके अलावा हल्क एस्ट्रल फॉर्म्स को देख सकता है, स्पेस और पानी में ब्रीथ कर सकता है और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकता है। यहाँ पे बॉडी छोटी होने की वजह से हल्क गॉडजिला से फास्ट है, बट बॉडी बड़ी होने से गॉडजिला हल्क से स्लो है। वहीं हल्क सन पे भी जिंदा रह सकता है और गॉडजिला न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकता है। हल्क अपने हीलिंग फैक्टर से अपने स्केलेटन से जिंदा हो चुका है, तो दूसरी तरफ गॉडजिला की बॉडी को डैमेज करना बहुत मुश्किल है और उसकी बॉडी रीजनरेट भी हो सकती है। सो ओवरऑल इस शोडाउन का विनर हुआ हल्क। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि शोडाउन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. They say, do you love me?